हेलो एवरीवन, राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस देखिए, मैंने रात में बर्तन नहीं धुले थे और सुबह का टाइम था, सुबह के 6 बज रहे थे और मैं सुबह बर्तन धुल रही थी उठ के। और देवांश आज मेरे स्कूल नहीं गए हैं क्योंकि देवांश को काफ़ी तेज़ बुखार था और तन्नू को स्कूल मैंने भेज दिया था। उसके बाद ही मैंने बर्तन वॉश किए हैं, उनको जो भी नाश्ता बनाना था मैंने टिफ़िन बना के दे दिया। तो गाइस ये देखिए, बर्तन मेरे सारे ये धीरे करके सारे बर्तन धुल चुके हैं। और गाइस रात को काफ़ी टाइम भी हो गया था सोने में, इसकी तबीयत भी ख़राब थी और 15 अगस्त का सेलिब्रेशन, मायके में भी थोड़ी देर रुकना पड़ा था। तो मैं मायके में भी काफ़ी लेट से आई थी वहाँ से। तो तो गाइस ये देखिए, मैंने रात में मूंगफली के दाने, चने, मूंग और बादाम भिगो दिए थे, तो सुबह नाश्ते में यही खाएंगे। और ये देखिए, देवांश हमारे लेटे हुए हैं, अभी तक उठे नहीं हैं, काफ़ी टाइम हो गया है क्योंकि इनको बुखार चढ़ा हुआ है। दवा दे दी थी मैंने सुबह और मैं नहा धो के आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मेरी पूजा की थाली है। तो गाइस ये देखिए, पूजा की हो मेरी हो चुकी है और देखिए माता जी का श्रृंगार वगैरह मैंने फूलों से सारा कर दिया है। और देखिए मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, माता जी कितनी सुंदर लग रही हैं। तो गाइस पूजा के बाद देखिए मैं किचन में आ गई हूँ और आज मैं बनाऊंगी भिंडी की सब्जी। नाश्ते में भिंडी की सब्जी और पराठा। और ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ सुबह बनाई थी तनु को टिफिन के लिए। और ये देखिए मैंने आटा भी निकाल के रख लिया है। तो गाइस अब मेरा सब्जी पराठा ही नाश्ते में आज रहेगा, तो चाय सब्जी पराठा। और दोपहर में जो बनना है फिर मैं दोपहर में फिर बनाऊंगी। तो मैंने भिंडी की सब्जी छौंक दी है, मैंने काट के रात को ही रख ली थी, लेकिन अब देवांश को स्कूल नहीं जाना था तो इस वजह से मैंने टिफ़िन के लिए मैंने भिंडी की सब्जी नहीं बनाई थी। तो गाइज ये देखिए मेरा नाश्ता है और मैंने चूँकि चने और मूंग वगैरह सब ये जो मैंने भिगो के दिखाया था मैंने खा लिया था, तो मैं नाश्ते में सिर्फ एक ही रोटी और सब्जी खाएंगे। और देखिए दोपहर का खाना है ये, दोपहर के खाने में मैंने दाल चावल और भिंडी की सब्जी सुबह ही बनाई थी, तो वो सब्जी है और प्याज अचार। तो गाइज आज दोपहर के खाने में सिर्फ दाल चावल ही मैंने बनाया है और फिर उसके बाद फिर जो दोपहर के बर्तन थे मैं उन्हें बर्तन धुल रही हूँ। और बर्तन धुलने के बाद गाइस आज शाम को हमें जाना भी है कहीं, तो देखते हैं हम जा पाते हैं कि नहीं जाते हैं। थोड़ा सा हमें काम है, तो अगर ज़्यादा ज़रूरी नहीं हुआ तो फिर नहीं जाएंगे वरना जाएंगे। और ये देखिए शाम हो गई थी तो तनु को लगी थी भूख, तो तनु ने कहा कि मम्मी जो है हम मैगी बनाएंगे, तो आज तनु ही मैगी बना रही है। तो हम खड़े हैं यहीं पे और गाइस देखिए हम रेडी हो गए हैं, हमको जाना है अपने प्लॉट पे, थोड़ा सा काम है वहाँ पे। तो गाइस हम लोग घर से, हमारे हस्बैंड आए थे अभी और उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद फिर हम लोग निकल रहे हैं। और ये देखिए, और इसके बाद ये देखिए हम लोग आ गए हैं अपने प्लॉट पे। और ये देखिए मैं छत पे आई हूँ, छत का व्यू काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी मौसम अच्छा भी है तो छत पे अच्छा लगता है गाइस। तो जब भी मैं आती हूँ तो मैं छत पे ज़रूर आती हूँ। और देखिए शाम को मैं घर आई जब वहाँ से, तो मैंने देखा कि देवांश देखिए कैसे ओढ़ के लेटी हूँ, उसको फिर से बुखार चढ़ाया गाइस। तो मैंने अभी इसको फिर से चाय दी और नाश्ता करवाया, बिस्किट वगैरह, और उसके बाद मैंने दवा दी। और मुझे शाम के खाने के लिए बनानी है तरोई की सब्जी, तो मैं तरोई की सब्जी छील रही हूँ। तो रात के खाने में आज तरोई की सब्जी और चावल रोटी ही बनाएंगे। और तन्नू हमारी टीवी देख रही हैं बैठ के, और ये ट्यूशन पढ़ चुकी है, अभी ट्यूशन वाले सर आए थे तो वो भी इनको देख के गए और उन्होंने देखा कि इसको काफ़ी तेज़ बुखार है, तो देवास को आज ट्यूशन नहीं पढ़ाया गया। और
इसके बाद अब गाइस आज के ब्लॉग का मैं बस यहीं पे एंड करूँगी, और आज का ब्लॉग बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो अगर ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आ गया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, बाय बाय।